हेलो गाइस, आज की जो हमारी रेसिपी है वो पनीर रैप की होगी। जो हम रैप हैं वो घर में ही बनाएंगे। आप देख सकते हो कि कितना प्यारा कलर आया है इनका, कितने फूले फूले ये बने हैं। जो हम मिक्सचर बनाएंगे वो भी आपको बहुत टेस्टी लगेगा, बिकॉज़ हमने उसमें कोई भी सॉस यूज़ नहीं की है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद 1 कप मैदा के लिए मैं 1 कप पानी का ही यूज़ करूँगी। आप इसको एक बार में मत डालिएगा। सबसे पहले हम इसमें जो भी सारे लम्स हैं उनको निकाल लेंगे और इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर देंगे। अब जो बाकी का बचा पानी है वो भी डाल देंगे और एक अच्छा सा घोल इसका तैयार कर लेंगे। इसके बाद हमने इसमें 1 चम्मच जो है चीनी का डालना है। इससे थोड़ा रैप में मिठास रहेगी। और यहाँ पर मैंने 2 छोटे चम्मच तेल के डाले हैं। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर के लिए हैं। इससे जो हमारे रैप का कलर है वो काफ़ी क्रीमी वाइट जो आप देखते हो ना वो आएगा। अब हम 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। 5 मिनट बाद हम इसको एक बार फिर से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हो कि ये ऐसा फ्लोई कंसिस्टेंसी का बनना चाहिए। अब हम इसका रैप तैयार करेंगे। सबसे पहले आपको जो रैप है ना वो अपना थोड़ा थिक रखना है, थोड़ा मोटा रखना है। ज़्यादा आप फैलाओगे तो ये डोसे की तरह बन जाएगा। इसको थोड़ा मोटा ही रखेंगे हम। स्टार्टिंग में थोड़ा ही सॉफ्ट होगा, लेकिन जैसे ही आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख दोगे तो ये हार्ड हो जाएंगे अपने आप। अब हम इसको फ्लिप कर लेंगे दूसरी साइड की ओर। अब मैंने यहाँ कॉटन का कपड़ा लिया, उससे मैं इसको जेंटली प्रेस करूँगी ताकि अच्छे से हर जगह से ये पक जाए। आप देख सकते हो कि ये फूल भी रहा है। हमारा जो रैप है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। हम अच्छे से सेक लेंगे इसको। और इसके बाद ना हमें एक कॉटन का कपड़ा लेना है और उसमें हम जो भी रैप बनाते जाएंगे उसको कवर कर कर रखते जाएंगे। ऐसे ही अब मैं एक और रैप बना लूँगी। मैं आपको एक और रैप बनाकर दिखा देती हूँ। जो आपका बाकी का बैटर बचा है उससे भी आपने लाइकवाइज ऐसे ही सारे रैप जो हैं वो बनाकर रख लेने हैं। इससे आपके 1 कप मैदा से ना आपके 4-5 रैप जो हैं वो बन जाएंगे। आप देख सकते हो कि ये भी रैप हमारा बन चुका है। इसके बाद हम अपना मिक्सचर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्याज लिया है। प्याज को हम बारीक बारीक काट लेंगे। यहाँ पर मैंने लाल और पीली बेल पेपर लिया है यहाँ पर, और इसको भी हम बारीक काट लेंगे। आप यहाँ पर हरी शिमला मिर्च का भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ ऑल अप टू यू। और अगर आपको गाजर का यूज़ करना है आप उसका भी यूज़ कर सकते हो रैप में। अब यहाँ पर हम जो पनीर है उसके टुकड़े कर लेंगे। ना पनीर मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ में काटा है। ज़्यादा छोटा करोगे तो वो पिचक जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा बड़ा काटोगे तो वो फिर रैप में नहीं आएगा। मैंने मीडियम साइज़ पनीर काटा है। उसके बाद हम पैन में सबसे पहले सरसों का तेल लेंगे। सरसों के तेल को ना आपने पहले अच्छे से हीट करना है, उसके बाद फिर हम इसमें बेसन डालेंगे। बेसन मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लिए हैं। अब बेसन को हम मिक्स कर देंगे। बेसन का ना थोड़ा जो कलर है वो डार्क ब्राउन हो जाएगा ना, ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं, थोड़ा सा ही। 1 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे और उसके बाद हम इसमें जो लहसुन है वो डाल देंगे। यहाँ पर मैंने प्याज जो है वो डाल दिए हैं। अब हम अपने मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा काला नमक लिया है, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर सिर्फ कलर के लिए, और थोड़ा सा चाट मसाला। अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर जो सब्जी है हम उसको भी डाल देंगे।
अब यहाँ 1 कप हम दही का डालेंगे। दही आप 1 कप से थोड़ा कम भी डाल सकते हो। दही आपने अगर गाढ़ा है तो आप वो यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर होगा, वरना आपको जो इसमें पानी है ना वो बॉईल करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। मेरा जो दही था मैंने यूज़ किया था उसमें पानी था। उसके बाद हम इसमें पनीर डाल देंगे और अब हम इसको अच्छे से बॉईल करेंगे 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर, ताकि जो सारा पानी है वो इवेपोरेट हो जाए। सो आप देख सकते हो कि इसका सारा पानी जो है वो चला गया है और अब हम इसको अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। सो हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। सो मैं आपको रैप दिखा देती हूँ। रैप जो है हमारे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और कलर भी इनका बहुत अच्छा है। आप इनको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो और कोई भी रैप बना सकते हो। सो अब हम अपना यहाँ पर पनीर रैप जो है वो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक रैप ले लिया है, इसमें मैं 1000 आइलैंड स्प्रेड जो है वो यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी सॉस यूज़ कर सकते हो, कोई भी स्प्रेड यूज़ कर सकते हो, इवन होममेड ग्रीन चटनी भी यूज़ कर सकते हो। इसमें मैंने लेटस रख दिया है और इसके बाद हम अपना मिक्सचर जो है वो भर लेंगे। इसके ऊपर जो है मैं वो टमाटर से गार्निशिंग कर दूँगी, आप कोई भी वेजीज यूज़ कर सकते हो। और हम नींबू निचोड़ लेंगे और जो हमारा रैप है वो बनकर तैयार हो चुका है। ये काफ़ी फ्लेवरफुल था, इसमें मैंने रेड चिली सॉस भी यूज़ की है। हमारा रैप रेडी है, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। ये काफ़ी फ्लेवरफुल था, इसमें टैंगी स्वीट हर तरह का टेस्ट था। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।